स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आज हम लोग ऑक्सीजन तत्व के बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परमाणु संख्या आता है। ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या 8 होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 ही होती है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 ही होती है। यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या सभी समान होता है ऑक्सीजन में और सब कितने होते हैं 8। अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग के एल एम कोष बांटेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बांटू तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और चूंकि इनके पास 8 है, दूसरे कक्षा में 8 होना चाहिए लेकिन इनके पास बचता है 6, तो दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो केंद्र में आएगा और पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और जो दूसरी कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए। तो चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसलिए संयोजकता हो जाएगा 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इसलिए इसमें जो आवेश है आवेश होगा 2-। अब परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 15.9994 यानी 15.9994, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए 16 परमाणु द्रव्यमान लेते हैं अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत होता है कैपिटल ओ, यानी बड़ी वाली ओ से हम ऑक्सीजन को दर्शाते हैं। हम लोग हिंदी में ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं लेकिन दर्शाने के लिए हम लोग बड़ी वाली ओ का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन का स्पेलिंग OXYGEN ऑक्सीजन है और संकेत इसका होता है ओ। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ है। समूह को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं GROUP, और आवर्त को अंग्रेजी में कहते हैं पीरियड PERIOD पीरियड। ओके, और अब देख लेते हैं कि नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कहाँ है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा तो इसमें समूह है 16 और जो आवर्त है वो दूसरा है। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन आपका अधातु है। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और भी प्रश्न मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।